हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। तो वेब डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्किल्स है अगर हम टेक के अंदर जाना चाहते हैं। तो अगर हमें वेब डी आता है तो उसको यूज करके हम एज अ कॉलेज स्टूडेंट अपने लिए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, हम इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, हम ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमें खुद के लिए वेबसाइट, पोर्टफोलियो या अपने स्टार्टअप का प्रोजेक्ट बनाना है उसे हम बना सकते हैं, नहीं तो हम इसे एज अ हॉबी भी सीख सकते हैं। मैं खुद का अगर एग्जाम्पल लूँ तो मेरी दोनों जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्नशिप्स थी, मेरा जो गूगल एसपीएस का प्रोग्राम था, या फिर अगर फुल टाइम जॉब था माइक्रोसॉफ्ट में, सब में वेब डेवलपमेंट ही यूज हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट का क्या स्टेप बाय स्टेप पाथ होगा अगर हम इसे एज अ स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो बाद में जाकर हम एवरेज सैलरीज को डिस्कस करेंगे जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस फील्ड में हम एज अ फ्रेशर जाना चाहते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को डिस्कस करने से पहले तीन टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनमें से पहली दो है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा जिसके साथ हम एज अ यूजर इंटरैक्ट कर पाते हैं उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेटीएम के ऊपर देखें तो पेटीएम पर हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, तो ये हिस्सा फ्रंट एंड होगा। या फिर अगर आप यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो इस वीडियो के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, इसकी स्पीड हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम चाहे तो कॉमेंट कर सकते हैं, कॉमेंट्स को लाइक कर सकते हैं, तो इस हिस्से को हम फ्रंट एंड कहेंगे। बाकी वेबसाइट्स का वो हिस्सा भी होता है जिसके साथ हम इंटरैक्ट नहीं कर पाते, जिसमें चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं और हमें कभी पता ही नहीं चलता, इसे हम बैकएंड कहते हैं। जैसे ये वीडियो YouTube के सर्वर से आपके फोन तक कैसे पहुंची, या फिर अगर हम पेटीएम पे पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कैसे बैकएंड पे हमारे बैंक से पैसे डिडक्ट होकर हमारे दोस्त के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, तो इस पार्ट को हम बैकएंड कहते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स में डेटाबेसेस भी होते हैं। डेटाबेसेस का काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना। आज की डेट में जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, हर किसी के पास लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा है। हमारा जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी हम मैसेजेस भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, वीडियोज भेजते हैं, ये सारा का सारा डेटा कंपनीज के अंदर स्टोर होता है डेटाबेसेस के अंदर। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं, पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट चलता है। तो अब वेब डेवलपमेंट के स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की बात करते हैं। इसमें से सबसे पहला स्टेप होता है हमारे फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड को सीखने के लिए तीन टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम सीखते हैं। इसमें से पहला है एचटीएमएल, दूसरा है सीएसएस, तीसरा है जावास्क्रिप्ट। अब ये तीनों नाम अगर हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो हमें सुनने में थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, बट ये काफी बढ़िया, काफी यूजफुल एंड काफी ईजी टेक्नोलॉजीज हैं टू लर्न। एंड एज अ प्रोग्रामर अगर वेब डेवलपमेंट पहली चीज है जो आप सीखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आपको काफी मजा आने वाला है। इसमें से एचटीएमएल तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा लॉजिक में। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी भी वेबसाइट को एक घर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जब भी कोई घर बनता है तो पहले नींव डाली जाती है, ईंटें लगाई जाती है, सीमेंट लगाया जाता है, तो इससे बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है हमारे लिए एचटीएमएल, कि वेबसाइट के ऊपर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या कितने बटन होने चाहिए, कहां पे होने चाहिए, इस तरीके की चीजें। उसके बाद आता है हमारा सीएसएस। हमारे घर के अंदर दीवारों पे कौन सा कलर होना चाहिए, अगर हमें दीवार के ऊपर बटन्स लगाने हैं या स्विच बोर्ड लगाना है तो वो कहां पे लगाना चाहिए, टीवी कहां पे प्लेस करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें स्टाइल ऐड करती हैं। तो वैसे ही वेबसाइट पे स्टाइल ऐड करने का काम करता है सीएसएस। एंड तीसरा आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम होता है एक वेबसाइट के अंदर लॉजिक ऐड करना। मतलब घर में सिर्फ बटन्स नहीं होना चाहिए, बटन को प्रेस करके पंखा चलना चाहिए, दूसरे बटन को प्रेस करके हमारी लाइट ऑन ऑफ होनी चाहिए, तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं वेबसाइट में वो ऐड होती है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, पर इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर हमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सीखने हैं तो एचटीएमएल के लिए ऑलरेडी हमने वन शॉट बनाया हुआ है जिसमें कंप्लीट एचटीएमएल कवर्ड है। सीएसएस के लिए भी हमने वन शॉट बनाया हुआ है जिसमें आपको नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे। और जावास्क्रिप्ट हम वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट से अपना कॉलेज से जाकर सीख सकते हैं। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं और हर एक वेब डेवलपर को आनी चाहिए, और इन तीनों को कंप्लीट करने में हमें करीबन 1.5 से 2 महीना लगेगा अगर हम कॉलेज के साथ में या अपने फुल टाइम जॉब के साथ में इनको कर रहे हैं। तो अब जनरली हमारे जो वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं या फिर हमारे जो रोड मैप्स होते हैं उसके अंदर एडवाइस होता है कि तीनों को सीख लो, उसके बाद कोई हम फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीख लें, जैसे रिएक्ट हो गया, जैसे एंगुलर हो गया, जैसे Vue.js हो गया, पर यहाँ पर मैं आपको ऐसी कोई एडवाइस नहीं दूंगी। इन तीनों को करने के बाद हमें किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की तरफ नहीं भागना है। सबसे पहले इन्हीं तीनों को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स। हमारा जो स्टेप 2 होगा दैट विल बी टू मेक प्रोजेक्ट्स। हम कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? सबसे इसमें जो आइडियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग का एक्सपीरियंस देंगे, HTML ऐड करने का, जावास्क्रिप्ट ऐड करने का एक्सपीरियंस देंगे, वो हमारे क्लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्योंकि एक तो इसमें हमें कुछ डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। क्लोन कहने का मतलब है कि ऑलरेडी Amazon जैसी वेबसाइट या Flipkart जैसी वेबसाइट बनी हुई है, हम क्या करेंगे, हम उनका वेबसाइट का फ्रंट एंड कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उससे हमें अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने का जो भारी काम है उसको नहीं लेना पड़ता। ऑलरेडी किसी की अच्छी वेबसाइट है, डिज़ाइन कर रखा है उन्होंने काफ़ी सारा टाइम लगा के, उससे हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्लोन की टर्म्स में एक Amazon क्लोन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने अपना कॉलेज के ऊपर डाला हुआ है। नहीं तो आप ऐसी कोई भी फेमस वेबसाइट ले सकते हैं जिसको मोस्टली लोग यूज करते हैं, क्योंकि जनरली वेबसाइट्स के जो डिजाइंस प्रिपेयर होते हैं, अच्छे डिजाइंस प्रिपेयर होते हैं, उसमें कई कई महीनों, कई कई सालों लग जाते हैं। तो आपको वो बनाया बनाया मिल जाएगा, आप उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए प्रैक्टिस के लिए। दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हम बना सकते हैं वो पोर्टफोलियो बेस्ड प्रोजेक्ट, कि हम खुद के लिए ही एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। शुरुआत में एक सिंगल पेज आप बनाइए, सिंगल पेज वेबसाइट, जिसके अंदर अपने बारे में हम इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स करने के बाद जो तीसरी चीज हम सीख सकते हैं वो होते हैं हमारे CSS के फ्रेमवर्क्स। CSS के फ्रेमवर्क्स कहने का मतलब है कि ये CSS को, स्टाइलिंग को ही लिखने का एक और इजियर तरीका होते हैं। अब फ्रेमवर्क्स के अंदर जनरली जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है इंडस्ट्री के अंदर, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है बूटस्ट्रैप। तो हम बूटस्ट्रैप को सीख सकते हैं, वरना कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो टेलविंड को भी सीख सकते हैं। आप चाहें तो इसे भी सीख सकते हैं, बट ये हमें जरूर याद रखना है कि सारे फ्रेमवर्क्स नहीं सीखने होते, इनमें से एक ही सीखना होता है अच्छे से, क्योंकि बाकी सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं यूजेज में। तो इसीलिए कोई भी एक के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम बात करेंगे, आ जाएंगे अपने स्टेप 3 पर। स्टेप 3 के अंदर अब हम फाइनली सीखेंगे अपना बैकएंड। अब बैकएंड के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं, या तो हम Node.js सीख सकते हैं, या हम Django सीख सकते हैं, या हम PHP या जावा में से कुछ एक सीख सकते हैं। ये सारे नहीं सीखने, इनमें से एक ही चॉइस लेनी है। अब वैसे तो ये अजीब से नाम देखकर हमें लग रहे होंगे कि Node.js क्या होता है, Django क्या होता है, बट एक बार आप फ्रंट एंड सीख लेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि डेवलपमेंट के अंदर किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से उनको हमें सीखना होता है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम बैकएंड सीख रहे हैं तो मैं इसमें आपको जेन्युइनली एडवाइस करूंगी दैट यू स्टार्ट विद Node.js। Node.js को सीखने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला ये है कि जावास्क्रिप्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं फ्रंट एंड के लिए, और Node.js का मतलब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोड लिखना होता है। तो Node.js हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट होता है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है। तो सिंटैक्स हमारे लिए ईजी रहेगा, प्रोसेस सीखने का ईजी रहेगा, प्लस Node.js काफ़ी पॉपुलर है इंडस्ट्री के अंदर। कई सारी नई वेबसाइट्स हैं जो Node.js को यूज करके बिल्ड होती हैं, तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हमें एज सच वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके साथ साथ Node.js काफ़ी सारे पॉपुलर स्टैक्स के अंदर होता है, तो इसके रिसोर्सेज भी हमें आसानी से मिल जाएंगे। नहीं तो अगर पाइथन जैसी लैंग्वेज के ऊपर आपका ऑलरेडी कभी स्ट्रॉन्ग कमांड था तो आप Django भी सीख सकते हैं, या फिर हमारे पास PHP या जावा जैसे ऑप्शंस भी हैं। पर PHP एंड जावा मैं उन्हीं डेवलपर्स को एडवाइस करूंगी जिन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है अभी बैकएंड डेवलपमेंट करते हुए, एंड फिर हम इनके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी जनरली जो हमारी मॉडर्न वेबसाइट्स होती हैं वो Django या Node.js के ऊपर ही वर्क करती हैं। PHP पहले काफी ज्यादा पॉपुलर होता था वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। अब जब हम बैकएंड सीख रहे होंगे तो बैकएंड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें बैकएंड की टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसका मतलब ये भी है कि हमें डेटाबेसेस के बारे में भी सीखना पड़ेगा। और इंडस्ट्री के अंदर डेटाबेसेस के लिए दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, एक होता है SQL और एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं NoSQL। SQL का मतलब कि डेटा को हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं। जैसे हम एक्सेल शीट के अंदर अपनी टेबल बनाते हैं, वैसे से ही हम अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कराते हैं, उसको हम SQL कह देते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और NoSQL मतलब डेटा को कैसे भी स्टोर कराओ, बस टेबल में नहीं स्टोर कराना। उसमें सबसे पॉपुलर होता है MongoDB डेटाबेस। अब अगर आप Node.js को सीख रहे हैं तो हम प्रेफर कर सकते हैं कि हम MongoDB को यूज करें, Django को सीख रहे हैं तो हम प्रेफर कर सकते हैं कि हम SQL Lite को यूज करें। अब इसमें अगर आप एक्सक्लूसिवली डेटाबेसेस को सीखना चाहते हैं तो SQL के लिए कंप्लीट कोर्स हमने डाला हुआ है, उसमें हम कंप्लीट SQL जाकर सीख सकते हैं। बेनिफिट SQL को सबसे पहले सीखने का ये होता है कि एक बार अगर हमें SQL आ जाता है तो उसके बाद MongoDB को समझना और ज्यादा आसान हमारे लिए हो जाता है। तो इसमें यू कैन स्टार्ट विद SQL, हम थोड़ा सा बेसिक सीख सकते हैं, देन वी कैन स्विच टू MongoDB। अगर आपको MongoDB का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक बार बैकएंड सीखने के बाद हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में हम सीख रहे होंगे अपने एसेंशियल्स। अब वेब डेवलपमेंट सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमने सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी सीखी, लैंग्वेजेस सीखी, फ्रेमवर्क सीखे और उनको प्रोजेक्ट की फॉर्म में इंप्लीमेंट कर लिया। वेब डेवलपर बनने का मतलब है कि हम टेक के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हमें एक्स्ट्रा जाके सीखना पड़ेगा। इन्हें आप कभी भी सीख सकते हैं, इन्हें फ्रंट एंड सीखते टाइम भी सीख सकते हैं, बैक एंड सीखते टाइम भी। बेसिकली ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इनमें से सबसे पहले हैं बेसिक टर्मिनल कमांड्स। बेसिक टर्मिनल कमांड्स कहने का मतलब है कि हम कैसे अपने कंप्यूटर को, चाहे वो विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टर्मिनल्स को यूज करके फाइल्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, डेटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरीके की चीजें। सेकंड चीज जो हमें सीखनी पड़ेगी वो है गिट एंड गिटहब। अब गिट एंड गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी के लिए। पर अगर आपको गिट एंड गिटहब सीखना है तो हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल अपना कॉलेज चैनल के ऊपर डाला हुआ है, उसको जाकर आप सीख सकते हैं। एंड थर्ड चीज जो हमें आनी चाहिए वो है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वेबडी को यूज करके, शुरुआत में वो सारे के सारे प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही चलेंगे। हम अपने दोस्तों को कैसे वो भेजें प्रोजेक्ट, हम कैसे ऐसा लिंक बना दें, जैसे हम google.com सर्च करके गूगल की वेबसाइट पे हम में से हर कोई जा पाता है, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे होस्ट करवाएं, कैसे उनका लिंक शेयर कर पाएं, उसे हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स की हमें आनी चाहिए। एंड जैसे हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा हम आ जाएंगे स्टेप 5 तक। स्टेप 5 तक आने में हमें करीबन 4-4.5 महीने लगेंगे क्योंकि ये सारी जो हमने टेक्नोलॉजीज की बात करी वो ऐसे तो मैंने सिंगल वर्ड बोल दिया, पर उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अगर हम बैकएंड की बात करें तो सिर्फ उसमें एक लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ उसमें एक फ्रेमवर्क नहीं है। बैकएंड के अंदर एपीआईज कैसे बनती हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे काम करती हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, एरर हैंडलिंग कैसे होती है, टेम्पलेटिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर सीखते हैं। अब इसके बाद फाइनली जब हमने फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सीख लिए तो हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे जिसमें हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे, बैक एंड भी बनाएंगे एंड डेटाबेसेस भी बनाएंगे। तो हमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तीनों को यूज करके, और एटलीस्ट 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स पर हमें काम करना है। फिर उनको हम अपने रेज्यूमे के अंदर डाल रहे होंगे जो हमारी प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। अब ये पूरा प्रोसेस करते टाइम अगर आपको फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप फ्रंट एंड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और अपने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आप फ्रंट एंड के अंदर बना सकते हैं, या आपको बैक एंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स अपने बैकएंड के भी अंदर बना सकते हैं। बाकी बेनिफिशियल ये होगा कि हम दोनों टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज करें और अपने फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 5। एंड इसके बाद फाइनली आता है हमारा स्टेप 6, यानी एक बार प्रोजेक्ट्स बन गए, रेज्यूमे के अंदर डल गए, तो अब हमें अप्लाई करना है। फिर चाहे वो इंटर्नशिप के लिए हो, फिर चाहे वो जॉब्स के लिए हो, या फिर चाहे वो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हो, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बिल्ड किए हैं वो बहुत अच्छा तरीका है लोगों को दिखाने के कि हमें डेवलपमेंट को करना आता है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई इंटर्नशिप या जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे रेज्यूमे के, जो हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से 6 स्टेप्स को कंप्लीट करके हम एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं, हम वेब डेवलपमेंट को बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना अगर हमने पार्ट कर लिया तो उसके साथ हम कुछ और नई चीजें हैं जिनको सीख सकते हैं। जैसे हम किसी फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को सीख सकते हैं जो और ज्यादा बेटर हमारे पोर्टफोलियो को बनाएगा। इसमें से रिएक्ट या एंगुलर में से कोई एक हम सीख सकते हैं, वो काफी पॉपुलर ऑप्शन होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं देन गो फॉर रिएक्ट। इससे क्या होगा, हमारा मर्न स्टैक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं उनके हम कुछ स्टैक्स बोल सकते हैं, जैसे मर्न हो गया, जैसे मीन हो गया। तो मर्न के अंदर एम का मतलब होता है MongoDB डेटाबेस, ई का मतलब होता है Express.js जो Node.js के अंदर ही होता है, एन का मतलब Node.js होता है, आर का मतलब होता है React.js। इसी तरीके से तीनों सेम रहते हैं, और ए का मतलब होता है एंगुलर। तो अगर आपको ये चारों आते हैं तो मतलब आपने एक टेक स्टैक है, एक ऐसी चीज है, एक टेक्नोलॉजीज का हिस्सा है जो सीख लिया है, जिसको यूज करके आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। या फिर अगर आपने इन्हें सीख लिया है तो फिर आप इनको भी यूज करके बना सकते हो। ऐसे कई सारे और टेक स्टैक्स होते हैं, लैम्प भी उनमें से एक होता है। तो मैं टेक स्टैक्स को इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट हाँ आप React.js को सीख सकते हैं और अच्छे से। एंड साथ के साथ हम जावास्क्रिप्ट के बाद उसका एक और स्ट्रिक्ट वर्जन टाइपस्क्रिप्ट है उसे सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एंड टू एंड तैयारी हो जाएगी एक अच्छे वेब डेवलपर बनने की। अब अगर हम एवरेज सैलरीज की बात करें तो एक ग्लासडोर के फिगर्स हैं 2023 के अंदर जो एक फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्रेशर, यानी अगर आप इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 5.75 LPA एंड फॉर अ बैक एंड डेवलपर इट इज गोइंग टू बी 7 LPA। बट क्योंकि ये इतनी वर्सेटाइल फील्ड है, इसके अंदर अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, इसमें अगर आपको अच्छे से काम करना आता है तो आपके सैलरी पैकेजेस की लिटरली कोई लिमिट नहीं है। कई सारे ऐसे डेवलपर्स होते हैं जिनको शुरुआत में ही इससे भी काफी ज्यादा हाई पैकेजेस मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छे से अपना काम करना आता है, उन्होंने रेज्यूमे अच्छे से बनाया होता है, अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से क्रिएट किया होता है, इंप्रेसिव लेवल ऑफ स्किल उनके पास ऑलरेडी होता है। तो जब हम भी टारगेट करेंगे तो हमें अच्छे लेवल के स्किल लेवल को टारगेट करना है, जिसको करने में हो सकता है हमें कई महीने लग जाए, पर वो एट दी एंड हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा। और ये हमेशा याद रखना है कि चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम कोडिंग के अंदर किसी और भी चीज की बात करें, कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस होता है इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस। इट इज लाइक ड्राइविंग अ कार, यानी दूसरे लोगों को हम कितना भी गाड़ी ड्राइव करते हुए देख लें, हमें ड्राइविंग तभी आएगी जब हम खुद से गाड़ी को चलाएंगे। वैसे ही कोडिंग के ट्यूटोरियल या वीडियोस हम कितने भी देख लें, हमें खुद कोडिंग तब आएगी जब हम खुद से बैठ के कोड लिखेंगे, उसके लॉजिक को समझेंगे और उस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स को देखना नहीं है, उन्हें एक्चुअली बैठ के कोड करके इंप्लीमेंट करना है और उनको समझने की हमें कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक को कवर करें तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप exploring.